الفاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر بأن تعتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. صلوات پڑھ لیں محمد والے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جس نے لائق تعریف عباس کو خلق فرمایا، اور تمام حد گئے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے کہ جن کی آغوش نے صاحب کمال عباس کی تربیت کا حق ادا کر دیا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم مصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصرہی مأولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. خدا کا لطف و کرم ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے یہ موقع عطا کیا، یہ مواقع نصیب فرمائے کہ ذکر عباس علمدار کے لیے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، اس کی آج آخری نشست. انشاءاللہ کل سے تو آپ کی خدمت مقدس میں عالم باعمل خطیب باہنر تشریف فرما ہوں گے، اور بہرحال طالب علم کا انداز طالب علم کا رہتا ہے، سامعین کا انداز یقیناً اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ طالب علم سے غلطی ہو سکتی ہے. خدا کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ کہ خدا وہ ذات ہے کہ غلطی ہو جانے پر انسان کو شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ توبہ کی صلاحیت عطا کرتے ہوئے شرف قبولیت بھی خود ہی عطا کر دیتا ہے. تو اب میں یہ کہہ کر گفتگو تمام کروں گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. انشاءاللہ پھر زندگی رہی اور آپ کی سماعتوں نے طلب کیا
हज़रत अब्बास अलमदार के ज़ात के बारे में और मज़ीद प्यास को तो फिर गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी, फ़िलहाल तो रुख्सत का वक्त है। हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत का बयान सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 189 को सरनामे कलाम में रखा था। ये क्यों? बहुत सारी आयात हो सकती थी, खास इंतखाब क्यों किया था कि सूरह मुबारक अल बकरा की इस आयत में खुदा ने ऐलान किया कि नेकी इस बात का नाम नहीं कि तुम घरों के पिछले दरवाजे से दाखिल हो जाओ, लफ्ज़ दरवाजा भी नहीं है, पिछले हिस्से से दाखिल हो जाओ, लेकिन नेकी यह है कि तकवा इख्तियार किया जाए और घरों में उनके दरवाजों से दाखिल हुआ जाए। तो हमने ये चाहा कि मार्फत सरकार सैयद शहदा एक बहुत अजीम तर जिम्मेदारी मेरी भी और आपकी, हुसैन कहना तो है, हुसैन समझना भी तो है, तो कहना तो माने सिखा दिया, समझाएगा कौन सिवाय अब्बास के। हुसैन कहना तो माने सिखा दिया और उस वक्त सिखा दिया, सलाम हो हमारा हमारी माओ पर कि माँ ने अपना नाम नहीं सिखाया, अपने बच्चों को हुसैन का नाम सिखा दिया। तो अब हुसैनी तो बनाया माँ ने, हुसैनियत को बचा के कौन रखेगा हमारे अजहान में मार्फत के बाब में, सिवाय दरवाजे हुसैन के अब्बास किसे और क्या तारीफ की जाए कि मार्फत के शहर को अगर हुसैन कहते हैं, इल्म के शहर को अगर रसूल के बाद हुसैन कहते हैं, तकवा और तकद्दस के शहर को अगर हुसैन कहते हैं, तहज्जुद और ज़हद के शहर को अगर हुसैन कहते हैं, तो उस शहर के दर को अब्बास कहते हैं। इस मुनासिबत से ये आयत का इंतखाब था कि घर और घर का दरवाजा, तो घर तो बहुत दूर है अभी हम घर के दरवाजे पर, और घर का दरवाजा एक और आज मार्फत का जुमला आपकी खिदमत में कैफियत यकीन से पेश करूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लामा दरबंदी मरहूम, किताब का नाम इसरारुश शहादा, जो आपके लिखे हुए मक्तल के उन्वान से भी मारूफ है, उसमें एक ऐसा वाकया बयान करते हैं, गालिबन इनका जमाना वही है जो मरजे तकलीद शियान जहान हजरत शेख मुर्तजा अंसारी अलैहि रहमा का जमाना है, अल्लामा दरबंदी और शेख अंसारी। शेख अंसारी बहुत बड़ी शख्सियत, जैसे आज के दौर में अबुल कासिम आयतुल्ला खुई कि इल्मियत पर अभी तक किसी और मर्जे के लिए कबूल किया जाना उलमा के लिए मुमकिन नहीं हुआ है। ठीक है, मर्जियत तो है, आलमियत की वो मंजिल जो आयतुल्ला खुई ने हासिल की है, अब तक वहां पर मौजूदा मराजे उलमा के अल्फाज के एतबार से जो फैसला कर सकते हैं, हम तो फैसला कबूल करने वालों में, करने वाले दूसरे लोग। इसी अंदाज से शेख मुर्तजा अंसारी अलैहि रहमा, तो अल्लामा दरबंदी मरहूम ने जब मुलाकात की, मुलाकात करते थे, मोहब्बत किया करते थे, तो जुमला कहने लगे कि अगर आप इस तरह से रोज़े सरकार सैयद शहदा रोज़े अब्बास अलमदार पर तशरीफ लाएं कि दहलीज को चूमें, तो हम आपकी इत्तबा में इस अमल को अंजाम देंगे और आपका अमल तमाम शियाने जहान के लिए बाइस तकलीद होगा। इरशाद फरमाया कि मैं रोज़े हुसैन पर जाने से पहले रोज़े अब्बास की दहलीज को खुद चूमता हूँ और इस कैफियत में चूमता हूं कि अब्बास के रोजे की दहलीज को चूमना 14 मासूमीन की दहलीज को चूमने के बराबर है। कितनी गहराई है और कहां तक आप
इस समंदर में उतरे वो अलग बात है। एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत का रोज़े अब्बास के दर की चौखट को चूम कर समझता हूं कि मैंने दरवाजे की चौखट चूम ली है। दरवाजे हुसैन नहीं, अब्बास खाली दरवाजे हुसैन नहीं, अब्बास दरवाजे चहारदे मासूमीन हैं। हमें उनके इस जुमले से थोड़ा सा मार्फत का एक हिस्सा आगे मिला। हम खाली बाबे हुसैन कह रहे थे, वो कहते बाबे हुसैन नहीं, बाबे हुसैन तो हैं, अब्बास आज के लोगों के लिए चहारदे मासूमीन के लिए दरवाजों का उनके वसीले चहारदे मासूमीन में अब्बास की चौखट को चूमना जैसे चहारदा मासूमीन की चौखट को चूम लिया। और उसके बाद अभी जुमला और भी आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, यह रिवायत नहीं है, जैसे कि ये जो बयान किया रिवायत नहीं थी, इश्क था मौला अब्बास से। साहिबान इल्म साहिबान तकवा का इश्क मौला अब्बास से। क्या कोई बेअमल बेअदब नमाज को छोड़ देने वाला गुनाहों से मोहब्बत करने वाला क्या मार्फत अब्बास समझेगा? मार्फत अब्बास समझने का हक उसको है जो खुद तकवे की तहारत को हासिल करे फिर अब्बास को पहचाने। तो मौला अब्बास के हवाले से एक जुमला सुन लीजिए कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की आरजू है, एक आरजू है, और क्या आप अपनी सारी आरजूएं मौला अब्बास से मनवा कर क्या एक आरजू मौला अब्बास की मानेंगे? जी नहीं, मानना पड़ेगा। नहीं, ये तो कमाल है। हज वाजिब है, ज्यारत मुस्तहब है कि ताकि पहचाना जाए ये कौन मजबूरी में हज पर जाता है, कौन मोहब्बत में ज्यारत पे आता है। हज वाजिब है, ज्यारत वाजिब नहीं है। ठीक है, अहमियत के लिहाज से वाजिब कहा जा सकता है लेकिन फिकही एतबार से वाजिब नहीं है। यह एक इम्तिहान है इश्क और मोहब्बत का कि वहां जाना मजबूरी है, यहां जाना जरूरी है। हज पे जाना मजबूरी है वरना वाजिब अदा नहीं होगा, और करबला जाना जरूरी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मजमे का खामोश हो जाना अजीब सी बात है कि बरहाल मैंने पूछा कि आपने सारी तमन्नाएं मौला अब्बास से मनवानी हैं, आरजूएं, एक आरजू मौला अब्बास की भी है, मानेंगे? और ये उन लोगों से है कि जिन्हें कभी जिंदगी में करबला की ज्यारत नसीब हो जाए, ये उन लोगों से है जिन्हें जिंदगी में कभी करबला की ज्यारत नसीब हो जाए। फरमाते हैं मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम रोज़े सरकारे सैयदुश्शहदा पर जाकर अब्बास की तरफ से ज्यारत पढ़ देना। मैंने जुमला कहा और आपने सुन लिया, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे आका को सलाम करने के लिए कोई जाए और जाकर सरकार सैयदुश्शहदा को सलाम पेश करे और कहे ये सलाम मौला अब्बास की तरफ से पेश करता हूं, इसलिए कि ज्यारत हुसैन से इश्क की हद तक मोहब्बत थी मौला अब्बास को। अल्लाह अकबर, जिसकी आंख खुले तो हुसैन, आंख बंद हो तो हुसैन, वह क्यों ना चाहेगा ज्यारत हुसैन। तो अब जिस जिसको भी खुदा करबला बुलाए, बल्कि मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, मैंने कल खुद इस कैफियत को याद करते हुए दुआ मांगी थी कि असबाब नहीं हो से कहां से आएंगे पैसे, वीजे का मसला है और दीगर मसाइल हैं,
मैंने एक मन्नत मानी कि मौला अब्बास अगर आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से आपके आका को सलाम पेश किया जाए बुलवा लें। ठीक, तो ये जरा सी बात थी तमहीद की मंजिल पर, और अभी तो अलकाबात और कुनियतों के मसाइल बाकी हैं और फिर इस्मत के कुछ शगुफे बयान करके आलम की तारीख पर वापस आना है, और जितना आज बयान हुआ हुआ, उसके बाद फिर जब जिंदगी होगी तो बयान होगा इंशाल्लाह। ठीक, कल मैंने एक कुनियत बयान की थी मौला अब्बास की, वैसे तो आपने बहुत सारी सुनी अब तक इन 10 दिनों में। हजरत अब्बास अलंदार की एक कुनियत जो कल बयान हुई उसका एक और तर्जुमा एक और अंदाज भी, अबू अस्सारा, किसी ने लिखा उसको से और किसी ने लिखा है शीन से, और आज लफ्ज शीन मौजू है हमारा। अबू अशारा, अलिफ लाम शीन अलिफ रे गोल थे, अबू अशारा। अबू का माने तो आपको मालूम है, और क्यों मालूम ना हो तुराब से बनकर भी बुतुराब को नहीं जानते। बदबख्त हैं वो जो तुराब से बनकर बुतुराब के ही खिलाफ बोलते हैं, खुशबख्त हैं वो जो तुराब से बनकर बुतुराब को चाहते हैं। तो बू का मतलब तो आपको वाजे है ना, अबू। अशारा क्या है? अबू अशारा, शारा कहते हैं ऐसी शख्सियत को कि जिसके नाम की कसम खाए अगर झूठा तो फौरन या जले या मरे या गर्क हो या खत्म हो या हलाक हो। अबू अशारा का मतलब ये कि वो शख्सियत कि जिसके नाम की झूठी कसम, जिसके नाम की कसम कोई झूठा इंसान, यूं कह लीजिए इसके नाम की कसम कोई झूठा इंसान नहीं खा सकता, वो कसम खा लेगा सरकारे सैयदुल शहदा की, वो कसम खा सकता है सरकारे खत्मे की मर्तबत की, कसम खा सकता है खुदा की, लेकिन इनमें कोई शख्सियत अबू शारा नहीं है। अब्बास मगर अबू शारा है, और खुदा नसीब करे फिर करबलाए मौला की ज्यारत में वो इराक के रहने वालों का अंदाज महसूस करें कि मौला अब्बास की क्या अहमियत है कि मौला हुसैन के नाम पर वो जो चाहें आपको कह देंगे। जब बात मौला अब्बास की आएगी तो मौला अब्बास के नाम पर लरसता है आरिफ, उसे मालूम है कि अबू शारा ये हैं, वो तो करीम मौला हैं, उनके नाम पर तो हम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद करीम वाले। और एक और कुनियत कुनियतों में से, और ये कुनियत थोड़ी सी ऐसी कुनियत है कि जो कुछ सख्त है, ये कुनियत है अबू रासिल हार, अबू रासिल हार। अबू का मतलब वाजे, रास कहते हैं सरमाए को, रासुल माल सरमाया असल माल। रासिल हार का मतलब हार कहते हैं गरम को। अल्लाहु अकबर, अब्बास अलमदार की मिजाज की जो गर्मी है, जो आपकी शुजात का खास तौर इम्तियाज है, उसकी मुनासिबत से आपकी एक कुनियत यह कि ऐसी गर्मी है मिजाज में कि या कहरे खुदा कयामत में या कहरे अब्बास दुनिया में। अबू रासिल हार, ठीक। तो तर्जुमे की हद तक तो आज ये दो कुनियतें मुकम्मल हो गईं। अलकाबात में कुछ अलकाबात कल बयान किए थे, एक लकब आज बयान कर दूं जो कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने और उसी लकब को इमाम हादी अलैहिस्सलाम ने दो मासूमी
अपने अपने अंदाज से ज्यारत तालीम देते हुए मौला अब्बास को याद किया उस लकब के साथ, और वो लफ्ज है, वो लकब अल मुवासी, फनेम अल अखुल मुवासी। कितना बेहतरीन है भाई अल मुवासी। मुवासी का तर्जुमा करने से पहले गौर कीजिए कि सरकार सैयद शहदा के साथ मौला अब्बास की कैफियत क्या रही और कैसा भाई था कि तारीख में किसी भाई को, हां एक भाई ऐसा है इस पर भाई को नाज था भाई की मोहब्बत के लिए, वो बड़े भाई थे मोहम्मद, छोटे भाई थे अली। और इसी अंदाज से बड़े भाई हैं हुसैन और छोटे भाई हैं अब्बास, अब्बास के और बहुत भाई हैं मगर खुद अब्बास के भाइयों में कोई अब्बास जैसा नहीं है। बल्कि बहुत सख्त जुमला है, आपकी खिदमत में बयान करूं, बहुत अजीमुल कद शख्सियत शेख ताइफा तौहा नजफी कहते हैं कि इस बात का यकीनन इंसान को ख्याल रखना चाहिए कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जात को गैर मासूमीन के साथ ना लिखे। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की जात को जब भी लिखे मासूम के साथ लिखे। दलील चाहिए? दलील तो आपने दो दिन सुन ली ना, एक और सुन लीजिए। उस दलील का ताल्लुक मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जिसमें मुकद्दस से है। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, इल्म भी है कि मासूम को हमेशा मासूम दफन करता है, ऐसा ही है ना? मासूम को गैर मासूम दफन। आप मुझे बताएं मौला अब्बास को किसने दफन किया था? अगर इस्मत के तकाजों में, अगर इस्मत के तकाजों में एक तकाजा यह भी है कि मासूम को मासूम दफन करता है, तो दो ही जुमले मौला सैयद सज्जाद के, जब अपने बाबा को उठाया दफन करने के लिए तो बनी असद के लोगों ने चाहा था कि आपका हाथ बटाएं, रोक दिया, फरमाए खबरदार तुम हाथ ना लगाना, कोई और है जो मेरी मदद कर रहा है। और बिल्कुल यही जुमले थे जब अपने चचा की लाश को उठाया, बनी असद के जमींदार आगे आए थे कि हम आपकी इमदाद करते हैं, फरमाए खबरदार तुम हाथ ना लगाना, कोई है जो मेरी इमदाद कर रहा है। ठीक है कि मासूम ने गैर मासूम को भी दफन किया है, लेकिन मासूम को हमेशा मासूम नहीं दफन किया। गैर मासूम को मासूम भी दफन कर सकता है और गैर मासूम भी कर सकता है, लेकिन मासूम। तो हजरत अब्बास अलमदार की इस्मत फिर भी अभी तशना है, फिर बातें अगर जिंदगी रही और खिदमत का आपकी मौका मिला तो बयान होंगी, तो चल बसे तो अपना सलाम है आखिर। ठीक, तो क्या मुवासात है? मुवासी किसे कहते हैं? मुवासात की चार किस्में हैं। मुवासात कहते हैं हमदर्दी को, मुवासात कहते हैं जानिसारी को, मुवासात कहते हैं उल्फत नेक जज्बे को। कभी मुवासात होती है इल्म के एतबार से, कभी माल के एतबार से, कभी जुबान के एतबार से और कभी जान के एतबार से। चार, किसी को माल की जरूरत है तो आपने मुवासात की माल से, किसी को जरूरत है इल्म की आपने मवासात की इल्म के एतबार से, किसी को जरूरत है जुबानी अल्फाज की तसल्ली और तशफी की आपने मवासात की जुबान के एतबार से, किसी को जरूरत है आपकी अमली मदद जान की, सबसे आखिरी मंजिल है अपनी जान भी
हमदर्दी में किसी के लिए दे देना। अब ना तो सरकार सैयद शहदा को मवासात बिल माल नहीं, मवासात बिल इल्म नहीं, मवासात बिल अल्फाज जी, अल्फाज की मवासात सरकार सैयद शहदा को चाहिए थी, खुद मांगी आपने। भैया एक मर्तबा भाई कह दो, इसका नाम मवासात लफ्जी। आपने नहीं फरमाया अली अकबर से बेटा एक बार बाबा कह दो ना। अपने भतीजे कासिम से आपकी तमन्ना ये नहीं है कि एक बार चचा कह दो। बात क्या है कि वो तो चचा कहता ही था, अकबर तो बाबा कहते ही थे। कमाल इश्क ये है, अब्बास ने कभी जिंदगी भर हुसैन को भाई नहीं कहा। और मैं समझता हूं शायद मवासात बदन और जान से बढ़कर ये थी मवासात कि अब्बास के लिए जान देना आसान था, हुसैन को भाई कहना आसान नहीं था। और याद रखिए मसाइब में आप सुनते हैं सुनते रहिए, फजाइल में सुने आज कि तलवारें अब्बासी अलमदार के जिस्म पर, तीर इतना जख्मी है जिसमें अब्बास, और फिर सर पर ऐसे वार हुआ जैसे मौलाए कायनात के सर पे हुआ था। कल की बात से अगर आपको याद हो, जुमले मसाइब के लेकिन मैं मकाम बयान करूं मौला अब्बास का, वार कहां पे हुआ कि जैसे ही सर झुकाया था, सर झुकाया क्यों था, अल्लाह अकबर, झुकाया था आंख का तीर निकालने के लिए, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बास का सर बुलंद हो और कोई हमला कर दे। और ये बाजू भी जो कटे हैं, इस अजीब बात, अजीब मौला अब्बास की जात कि कहां से बयान रोकूं कहां तो मुकम्मल करूं। करबला के मैदान में ये वाहिद सिपह सालार जंग है कि जो बगैर सिपर लिए हुए, सिपर नहीं थी आपके पास, सिपर किसे कहते हैं बच्चों के लिए लफ्ज आसान के लिए, ढाल, वो गोल जो एक तवे की तरह का एक वो होता है बचाव का जरिया, इसको हाथ में लेकर जब कोई तलवार की काट आती है तो रोकते हैं, उसको सिपर कहते हैं। और जंगी साजो सामान में सिपर की अहमियत, अल्लाह अकबर, जरा और है सिपर और है ना। अब्बास अलमदार ने जिरा पहनी इसलिए कि आप तो एक मर्तबा तैयार होकर आए थे, इमाम ने वापस कर दिया कि जंग के लिए नहीं, तो आपने सारा जंगी लिबास उतार दिया और फिर सक्का बनकर गए। सारा जंगी लिबास उतार दिया, सक्का बन के गए, पहचानिए इसके पास सिपर नहीं है, जिरा नहीं है, और हद तो यह कि तलवार भी नहीं है, तलवार नहीं, सिर्फ एक नेजा, सिर्फ एक नेजा, और एक नेजे की ऐसी हैबत है कि करबला में लश्कर यजीद ऐसे दूर भाग रहा था, अब्बास का नाम ही काफी था, एक नेजा सिर्फ। तो किसी ने सामने से आकर इतना करीब कोई आ ही नहीं पा रहा था, और तीर उस जमाने का ऐसा हथियार जिसे आज की वो तमाम तर हथियार जो दूर से बैठ के इस्तेमाल किए जाते हैं, तीर तो खींच के मार दिया, आप दूर हैं जिससे इसको आपने मारा है, कि वो अगर आपसे बदला लेना भी चाहे तो करीब आएगा वो आपके। इसलिए अब्बास अलमदार के वजूद अकदस पर जख्मों की क्या कैफियत थी वो तो बयान नहीं हो सकती, शायद कुछ जुमले आखिर में आए मसाइब के लिए, अभी सिर्फ इतना बयान कर रहा हूं कि तलवार खाना, तलवार कैसे खाई, क्या पीछे छुपकर, छुपकर करबला में कुछ झाड़ियां थीं, कुछ खजूर के कुछ छोटे सूखे दरख्त भी थे,
और छुपकर वार किया गया, दाएं से फिर बाएं से दोनों हाथ काट दिए। और कमाल यह है कि दोनों हाथ कटने के बाद भी अलम नहीं गिरा। अलम की तारीख से मुतसिल बात करते हुए कि तलवारें चली, अब्बासे अलमदार अलैहि सलाम के लिए जान देना आसान था, मगर अपने आप को इतना बुलंद करना कि हुसैन का भाई कह दें, शायद ही मवासात उससे ज्यादा सख्त थी कि जान तो देना ही थी। अल्लाह अकबर। असल मंजिलत यह थी कि सरकार सैयदुश्शहदा ने आखिर वक्त में अपने आप को अब्बास का भाई कहलवा दिया, ताकि जमाना पहचान ले कि अब्बास गुलाम नहीं थे, हुसैन के भाई थे। वरना इसके सिवा ये कैसी वसीयत, कैसी आरजू है? इस आरजू का ईमान के आखिर वक्त से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। मुवासात तो इल्म में हो, माल में हो, जुबान से हो कि जान से हो। और अब्बास अलमदार ऐसे हैं मवासात करने वाले कि सिर्फ तर्जुमा ही कर रहा हूं, तफसील का तो वक्त ही नहीं है। वह नेमल अखुल मवासी, बहुत अच्छा है भाई अब्बास मौला हुसैन का, ऐसा भाई जिसने मवासात कर दी है। इन जुमलों को जुबाने मासूम से अभी हम तिलावत करेंगे। मजलिस के बाद आपसे शिरकत की इल्तमास है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की वो ज्यारत पढ़ी जाएगी जो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे पर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने पढ़ी है। और अगर कोई आप में से सवाल करे कि रोजे में पढ़ी जाने वाली ज्यारत आप यहां क्यों पढ़ा रहे हैं, तो क़िबला जैसे ज़ारत वारसा ये यहां के लिए नहीं है, ज़ारत वारसा असलन रोजे के लिए है। जो वहां की ज़ारतों में ज़ारत मुतलका साथ हैं, उनमें से एक ज़ारत वारसा है। और इस अगर फिर भी अगर किसी जवान के लिए सवाल बाकी हो सुन लीजिए, सोचें किसका मर्तबा बड़ा है, शहजादे अली अकबर का या मौला अब्बास का? आज बड़ा अहम सवाल है। और ये सवाल आपसे इसलिए किया गया कि इसके जरिए से बात को मुकम्मल किया जाए, किसका मर्तबा बड़ा है, शहजादे अली अकबर का या मौला अब्बास का? तो आपके जहन में शायद ये बात आए कि शहजादे अली अकबर खूने हुसैन है, औलादे हुसैन है, लेकिन अल्फाज हैं इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम। और फरमाते हैं अपने चचा की मंजिलत को बयान करते हुए कि मेरे चचा का रोज़े कयामत वो मकाम होगा, वो मकाम होगा, इस मकाम को देखकर तमाम शुहदा उस मकाम को देखकर तमाम शहदा गबत करेंगे, रश करेंगे। उन तमाम शहदा में अली अकबर शामिल हैं। यह फैसला उलमा का मेरा नहीं, मेरा काम तो पेश कर देना है। शायद उसके बाद भी अगर कोई आपको और तसल्ली चाहिए तो जो मैंने पढ़ा वह जुमला रिपीट करता हूं। कयामत का दिन होगा, यह हदीस पढ़ चुका हूं मैं सचरे के अंदर, और सरकार खत्म यह मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाएंगे मौलाए कायनात से, याली जाइए बिनत रसूल से पूछिए कि उम्मत की निजात के लिए रोजे कयामत उम्मत की निजात के लिए कुछ सामान लाई है। जब मौलाए कायनात आकर सवाल दोहराएंगे, बीबी बाबा कहते हैं आपके ये कुछ सामान है उम्मत की निजात के लिए, तो अब ये जुमला मैं फिर रिपीट कर रहा हूं आज खुलासे के तौर पर, कफाना लिहाज़ल अम्र अल यदान
المقطوعتان من ابن العباس اے امیر المومنین, اس کام کے لیے تو میرے بیٹے عباس کے دو کٹے ہوئے ہاتھ ہی کافی ہیں. اللہ اکبر, کتنا بڑا مقام ہے, صرف دو ہاتھ اور پوری امت کی شفاعت. تو اکبر پہ لاکھوں سلام ہو, اکبر عباس کے بھی شہزادے ہیں. لیکن کربلا میں سارے منصب امام نے, سارے سوائے ایک صبح کی اذان تو اکبر سے دلوائی تھی, بڑی محبت تھی مولا کو اکبر سے, لیکن سارے منصب کربلا گئے جناب عباس کے لیے. اور ان منصبوں میں ایک منصب علمداری, اور علمداری تک بات آپ پہنچی تو بھائی علم کی تاریخ میں کچھ باتیں کل ہوئی ہیں, کچھ باتیں آج بیان کر دیتے ہیں اگر سماعتوں تک یہ بات مکمل ہو رہی ہو. ہاں, علم کا ترجمہ نشان, علم کی دو قسمیں, اللواء اور الرایا, رایت. علم کی تاریخ, حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جناب شیس علیہ السلام ہیبت اللہ, جب قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا اور ایک طویل عرصے کے بعد شیس علیہ السلام اور آپ کی نسل آگے بڑھی, قابیل کی نسل بھی آگے بڑھی, حابیل کی کوئی اولاد نہیں ہے, حابیل شہید ہو گئے, حابیل کی اولاد نہیں ہے, قابیل کی اولاد ہے. اس روایت کے ذیل میں کہ جناب شیس علیہ السلام کو خدا نے حکم دیا کہ اب انتقام لو خون حابیل کا, کہ مالک جمع کیسے کر لوگوں کو, لوگ کہاں کہاں رہتے ہیں خاندان کے, وہ وہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے وہاں رہتا ہے. تو اوپر سے پرچم نازل کیا گیا, کہ اسے پرچم کا رنگ تھا سفید, رنگوں کا مسئلہ بھی بہت اہم ہے. پرچم جو پہلا پرچم پہلا علم آسمان سے اتارا گیا اس کا رنگ تھا سفید, اور یہ آخر زمانہ میں جب امام زمانہ اٹھائیں گے تو پرچم کا رنگ ہوگا سفید, پھر وہ رنگ برنگی پرچم کہاں سے آئے اس کی بات بھی تھوڑی بہت تو آج آئی جائے گی انشاءاللہ. تو پہلا عالم سفید رنگ کا جبرائیل لے کر نازل ہوئے اور کہا گیا اس کو کسی لکڑی پر یا کسی چیز پر اٹھاؤ اور جب یہ ہوا میں لہرائے گا. یہ موضوع بھی باقی ہے کہ تکون تھا کہ چوکور تھا, اس کا انداز کیا تھا, اس کے ڈیپ میں جاؤں گا تو باتیں بہت طویل ہو جائیں گی. وہ علم اتارا گیا, حضرت شیس علیہ السلام نے اس علم کو بلند کیا اور اس علم کو دیکھ کر, سفید پرچم کو دیکھ کر, یہ کیا چیز ہے ہوا میں ہل رہی ہے, لوگ جمع ہوئے اور جناب شیس علیہ السلام کی اولاد نے قابیل سے انتقام لیا, قابیل کی اولاد اس کے ساتھ اور جنگ باقاعدہ ہوئی, آخر جناب شیس کو فتح ہوئی اور قابیل کی اولاد غلام بنی حضرت شیس کے اور ان کی اولادوں کے لیے. یہ پہلی جنگ ہے جو روئے زمین میں لڑی گئی انسانوں کی, اس میں تذکرہ علم کا. پھر یہ علم چلا انبیاء کے پاس, شیس جاتے جاتے اپنے بعد آنے والے پیغمبر کو دے گئے. یہ علم منتقل ہوتا رہا, شمعیل کے پاس پہنچا اور پھر آپ نے جناب تالوت کو عطا کیا, تالوت نے داؤد کو عطا کیا, داؤد نے سلیمان کو عطا کیا اور سلیمان کے بعد تابوت سکینہ میں رہا. علم انبیاء کی میراث کے طور پہ آگے بڑھا. تاریخ درمیان کے تمام تر باتیں کبھی بیان کرتی کبھی خاموش ہے, اور یہ علم جب پہنچا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تو پھر آپ نے اپنے فرزند اسماعیل کو دیا, اسماعیل سے اور آگے بڑھا یہاں تک کہ حضرت قصے بن کلاب, پھر جناب ہاشم, عبد مناف,
अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब, और अबू तालिब ने आखिरी बार अलम को मोहम्मद मुस्तफा के हवाले किया। आप भी सोचेंगे ये अली कपड़ा है क्या चीज है, गलता ही नहीं है। अरे जब मोमिन का कफन नहीं गलता तो हक का अलम का कपड़ा कैसे गलेगा। ऐसा ही है ना, कितना तवील अरसा हो जाए मोमिन को मरे हुए कफन ऐसा तरोताजा है। तो ये अलम का कपड़ा जो खुदा ने उतारा है ये वहां से चला और आया जनाबे खत्मी मरतबत तक, ठीक। और फिर अल्लाह के रसूल ने, अच्छा अब अलम की दो किस्में रही हैं, एक वो अलम होते थे जो कबीलों के लिए, कबीलों में जो पार्ट्स होते थे उनके खानदानों के लिए, उनको कहते थे लिवा, छोटे परचम। जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो वो जो जुलूस निकाले जाते हैं छोटे परचम हाथ में बच्चे पकड़ा दिए, और एक बड़ा आलम होता है उठाने के लिए, तो बड़ा आलम इसको कहते हैं रायत, छोटे आलम को लेवा कहते हैं। और लेवा कुरैश के दरमियान भी रहा, जो लेवाए इस्लाम, इस्लाम के दो परचम हैं, एक लेवा भी है एक रायत भी है। अलबत्ता लेवा गैर मासूम को भी मिला है, जैसे कबीले बनी अब्दिद्दार के अफराद को सरकार खत्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिवाए इस्लाम दिया। जंगे बदर की बात करें जनाब हमजा, जंगे अहद की बात करें तो मुसअब इब्ने उमैर उससे पहले कबीले बनी अब्दिद्दार के अशखास को मिला। अब तफसील के वक्त नहीं कि क्यों उनको मिला, वजूहत क्या थी, लेकिन जब मुसअब इब्ने उमैर भी शहीद हो गए अहद के मैदान में, लेवा उठाने वाले एक के बाद एक शहीद हो गए, तो जिसके हाथ में रायत था उसी के हाथ में लेवा भी आ गया। जिसके हाथ में रायत था उसी के हाथ में लेवा भी आ गया। जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई कि रसूल को भी बचाएं, रायत को भी बचाएं, लेवा को भी बचाएं, अपने आप को बचाएं कि ना बचाएं, उसे अली कहते हैं। हैदरी। दो परचम, एक छोटा एक बड़ा, लेवा और रायत। अलबत्ता रायत की अहमियत ज्यादा है लेवा से, कि रायत अलामत अंबिया में से है, मीरास अंबिया में से है। रायत अलामत मासूम है, मीरास के तौर पे आगे बढ़ी। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा था कि रायत ऐसा परचम है कि जो मासूम को ही मिलता है, सिवाय इसके कि मीरास की शक्ल में मुंतकिल हो और बात है, लेकिन जब किसी को दिया जाएगा उसके लिए उठाने के लिए तो मासूम होगा वो। और अब्बास की इस्मत की एक और दलील, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, और दलीलें और कितनी चाहिए भैया इस्मत अब्बास अलमदार के लिए। उसके बाद भी कोई अगर मोमिन सवाल करे, मौला अब्बास छोटे मासूम थे बड़े मासूम थे, ये छोटे मासूम बड़े मासूम समझाने के लिए मुझे और आपको, वो मनसबदार मासूम थे ये बगैर मनसब के मासूम थे। अल्लाह अकबर। तो परचम चला और फिर परचम की तारीख में रायत की बात पहुंची सरकार तक, सरकार से मौलाए कायनात तक, मौलाए कायनात से मौला इमाम मुश्तबा अलैहिस्सलाम तक, और मौला मुश्तबा से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तक। परचम हर जंग में सबके परचम होते थे, परचमों पर निशान भी होते थे, और निशानात में हैवा परिंदों की तस्वीरें बनाई जाती थी, और आज भी आप खूब जानते हैं इस बात को, बंदो इकाब या उकाब, बंदो उकाब तस्वीर बनी हुई है अलम की।
नाम लिखे जाते थे। लश्कर के सालार का नाम, इलाके के बादशाह का नाम परचम पर लिखा जाता था और रंग अलामत होते थे। कभी कभी ऐसा भी है कि रंग बिरंगी परचम है और एक मेन परचम, यानी लेवा बहुत सारे हैं। राया देखे, अलबत्ता इस्लाम के रायत पर दो चीजें सुन लीजिए। एक रिवायत सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सुनी है आपने, और एक मौलाए कायनात के खुतबे से इक्तबास रायत के ऊपर। अल्लाह के रसूल की रिवायत तो आपके अजहान में इतनी महफूज है, इतनी महफूज है कि 39 दिन रसूल बड़े साबिर थे और इस सबको जो भेजा है ना, 39 दिन तक ये लिवा लेकर गए हैं कि छोटा परचम लेकर जाओ कि कुछ कर सकते हो तो बड़ा मिलेगा। फिर तो छोटे परचम को ना बचा सके, रायत कैसे मिलता। और अगर ये जो 40वें दिन आपको देना था वो भी अगर लिवा होता तो वो शौक और तलब ना होती अफराद साहबा में, यही देना है, ये तो कल मिल चुका है। ठीक है, और अल्लाह के रसूल ने भी क्या खास इंतजाम किया। वो बीमार हैं, आंखों में दर्द है, तो अब बहुत से उम्मीदवार बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, होता है ना आजकल के नाम लिया गया। इसे पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मसला चल रहा है, एक ने इनकार कर दिया, दूसरा बीमार हो गया, तो तीसरा अपने आप को मजबूत ख्याल करता है कि चलिए आज तो ऐसा मौका है कि अली अलैहिस्सलाम नहीं है, आंखों में दर्द है। और आप फरमाए ला उतियन्ना राया, अर राया, ला उतियन्ना राया, मैं जरूर भी जरूर रायत दूंगा। मैं तर्जुमा ही नहीं कर रहा रायत का, रायत दूंगा, गदन कल उसको, रजुलन उसकी पहली सिफत के वो मर्द होगा। मैं कहता हूं फजाइल और तवल्ला के लिए मोहब्बत काफी है और तबर्रा का तर्जुमा ही काफी है, रजुलन। जब रजुल कह दिया अल्लाह के रसूल ने तो बाकी सबके लिए मसला वाज़े हो गया। ओ तैयन्नर राया, मैं जरूर भी जरूर अलम दूंगा कल उसे जो मर्द होगा। इसका मतलब सुन्नत रसूल है कि अलम जब भी देते हैं तो मर्द को देते हैं। अब अगर अगर आपको अलम उठाना है, खुदा ने बड़ा एहसान किया कि उनको अलम की मोहब्बत थी न दी, बल्कि अलम के अलम में अलम दे दिया। भाई ऐन से इधर अलम है, अलिफ से उधर अलम है, हैं दोनों जगह अलम। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नारे हैदरी या अली या अली या अली मुस्तफा है। ठीक, तो वो अब चाहे शोहरा की जुबान से सुने या खुद पहचान लें कि अलम ऐन से, और उर्दू में अलम अलिफ लाम मीम अलम, तो उनके तो ऐसे मसाइल पैदा कर दिए कि भाई अलम को देखना निकाह टूट जाना, बहुत अच्छा हुआ। ये फतवा हमारे काम आया कि किसी भी ना अहल को अलम के करीब आने का मौका ही ना मिला। फिर रास्ता हमने बंद नहीं किया, रास्ता आपने खुद बंद किया है। ओ तैयन्नर राया, मैं कल उसको अलम दूंगा, रजुलन। तो इसका मतलब कि अलम के लिए अलमदार की सिफत नंबर एक कि मर्द हो, सिफत नंबर एक कि मर्द हो। सिफत नंबर दो, कर्रार, रुके बगैर हमला करे। अल्लाहु अकबर। अब इसके तर्जुमे के लिए तो बहुत तफसील का वक्त है, मगर मजबूरी है। कर्रार, गैरा फर्रार,
और ऐसा हो कर्रार, रुके बगैर हमला करे और कभी पीछे न हटे। गैर कहकर बता दिया कि कर्रार गैर फर्रार, गैर निकाल दो, बाकी जो बचेंगे वही होंगे। मैदानी जंग में लड़ना कमाल नहीं है, जमना कमाल है। और ये जमकर जो लड़ता था उसको अलम। अच्छा, अलम की एक खास बात यह कि अलम हर किसी सिपाही को मिलता भी नहीं था। अलम उसको मिलता था जिसमें अलम उठाने की सलाहियत होती थी, रायत। और फिर सिफतें और बयान की, ऐसा होगा वो कि युहिब्बुल्लाह और रसूलहू। अलम उठाने वाले की चौथी सिफत ये है, पहली सिफत मर्द, फिर कर्रार, फिर गैर फर्रार, फिर ऐसा जो मोहब्बत भी करता हो अल्लाह से, उसके रसूल से। फिर पांचवी सिफत, अल्लाह और उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हो। मैं फजाइल मौला नहीं पढ़ रहा, मुझे आना अलमदार तक है। अब अलमदार के मनसब की अगर सिफात ये है तो क्या करूं ना बयान करूं तो? कि रायत दिया जा रहा है, पांच शर्तें मुकम्मल हुई, छठी सिफत, छठी सिफत सिफत ये होगी कि खुदा उसके हाथों पर फतह दे देगा। छठी सिफत ये होगी कि खुदा उसके हाथों पर। और जब 40वां रोज नमूदार हुआ तो किसी के लिए चहलुम हो गया, अलम ना मिला। किसी के लिए क्या दिन था कि बुलाया गया और दो अफराद मौला का हाथ थाम के लाए थे। इतनी तकलीफ थी आपकी आंखों में, जब आंख में तकलीफ हो ना तो फिर चलने में प्रॉब्लम होती है इंसान को। ये तारीख का जुमला है, लेकर आए थे मौला को। और अल्लाह के रसूल ने अपनी आगोश में मौला को लिटाया था और अपना लुआब दहन मौला कायनात की आंखों में लगाया था। ये सब क्यों किया? बताने के लिए कि सिफत पाई जा रही है कि खुदा और उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो खुदा उसके रसूल से मोहब्बत करते, वरना आंखों की तकलीफ का बहाना काफी था। रसूल बुलाएं और अली ना आए। अल्लाह अकबर। गुफ्तगु बस आखिरी मराहिल में। तो अलम उठाने वाले की ये सारी सिफात चाहिए हर जगह जहां मासूम अलम दे। और उसके बाद मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबे में, गालिबन मुझे अगर नंबर सही याद है तो वो नंबर है 124, नहजुल बलागा में खुतबा नंबर 124। अगर कोई ये सवाल करे कि मौला ने अलम की तारीफ बयान की है, तो मौला ने अलमदारी की तारीफ बयान की है। फरमाते हैं, और तुम्हारा यह रायत देखो, फला तुमी लूहू वला तुखज़िलूहू। देखो, इस अलम को ऐसी हाथों में रखना जो मजबूत रहे, झुकने ना पाए। वा तजअलूहू बऐदिल बऐदी शुजआनकुम। और जब भी इसको किसी के हाथ में देना तो बहादुर तरीन शख्स के हाथ में देना। मौलाए कायनात ने अलमदार की तारीफ बयान की। अलम किसके हाथ में होगा कि जो अलम को झुकने ना दे, अलम को गिरने ना दे, अलम को मजबूती के साथ रखे। और यहां तक तो आपने सुना भाई, ये यजीद के मुंह से तारीफ सुने मौला अब्बास की। जुमला मेरे सख्त का मजबूरी है, तारीफ तो वही है जो दुश्मन भी कहे कि तू लायक तारीफ है। अपने वाले तो अपने वाले हैं तो तारीफ करते ही।
और यजीद मलऊन ने मौला अब्बास की तारीफ मौला अब्बास के कटे हुए सर को देखकर नहीं की है, वो जो आलम था ना उसको देखकर की है। जो आलम था मौला अब्बास के हाथों में, जब सामान लूटा गया तो वो सामान भी लूटा गया। अब ऐन मुमकिन है कि यहां पर हम ये फैसला करेंगे शायद मीरासे अंबिया का रायत महफूज हो, जैसे कि सरकारे सैयद शहदा की अंगुश्तर, अगर अंगुश्तर मासूम अलामत मासूम हो मीरासे मासूम हो तो लूटी नहीं जा सकती, हो सकता है लिवा और रायत, रायत महफूज हो गया हो ये लिवा हो। और चूंकि मौलाए कायनात ने लिवा भी उठाया है और रायत भी उठाया है, और करबला के मैदान से लूटा हुआ माल, चादरें हैं, मुसल्ला है, हाँ बिस्तर है, और छोटे छोटे ऐसे गोश्वारे जिनमें खून लगा हुआ है, सब लूट का सामान है ना जो यजीद मलऊन के सामने पेश किया गया था। उसमें अलम भी था। उसके अल्फाज सुने, कहता है उन्ज़ुरु हाज़ल अलम, देखो इस अलम को, लम युस्लम मिन ज़र्ब व तअन इल्ला मिक़बज़ल यद तहमिलहु। यह तारीख के जुमले हैं जो पेश कर रहा, कहता है गौर से देखो इसको कि इस पर इतने नेजे तलवारें और तीर कि इस परचम का कोई हिस्सा सलामत नहीं है। ज़र्ब वतान इल्ला मिक़बज़ल यद, सिवाय उस जगह के जहां से ये पकड़ा जाता है। अल्लाहु अकबर। तहमिलहु, उसको नहीं मालूम था, जहां तक मौरखीन ने इस बात को लिखा, नहीं मालूम था कि कौन अलमदार था करबला के मैदान में लश्कर हुसैन का। पूछा कौन अलम, किसने उठाया था ये? लोगों ने कहा अब्बास ने उठाया था। अल्लाहु अकबर। कहता है कि ये वाकई अलम बता रहा है कि अलमदार के बहुत बहादुर था, वरना सबसे पहले अपनी जान बचाने वाला आलम को छोड़ देता है, फिर तलवार कहीं आलम को काटे छोड़े तोड़ दे। इल्ला मिक़बज़ल यद, ये उस जगह से महफूज है, बिल्कुल महफूज, एक तीर का निशान भी नहीं है। कितनी गहराई है इस बात में। रोने वालों, उसके बाद कहता है अबैत लान या अब्बास, अब्बास तुमने कमजोरी को अपने करीब आने ही नहीं दिया। हाजा वफाउन ले अखिन अखी ही, ऐसे ही भाई को भाई से वफा करनी चाहिए। क्या अल्फाज है। अल्लाहु अकबर। तो करबला के मैदान से मौला अब्बास के मसाइब का इशारा आलम तक पहुंचा, और उसके बाद बस इतनी बात बयान करूं, आपकी आंखों में आंसू आ गए। मौला अब्बास के मसाइब कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा हैं सोच सकते हैं, इतने ज्यादा मसाइब हैं कि करबला में किसी शहीद के इतने मसाइब नहीं हैं। आज मौला अब्बास का दसवां भी है ना, और रोने वालों आज पुरसा पेश करो अब्बास की दुखियारी मां को, कहती थी
अब्बास मुझको यकीन नहीं आता कि तू मारा गया। अब्बास तुझे मैंने पाला था, क्या कोई अरब में इतना बहादुर भी पैदा हो सकता है तो तुझे मार दे। अल्लाह अकबर, बहुत बड़ा दावा है ये बीबी का, तुझे मैंने पाला था। फिर फरमाती थी अब्बास, मगर जब मैं ये सुनती हूं ना कि आका हुसैन शहीद हो गए, अब्बास जब मैं ये सुनती हूं कि जैनब के सर से चादर छिन गई, अब्बास यकीन कर लेती हूं कि तू मारा गया था। पहचाने, मां ने जो वफाओं का दर्श अब्बास को दिया है कि अगर अब्बास जिंदा रहता अमरे मुहाल था कि हुसैन का सर कट जाए, अब्बास जिंदा रहे अमरे मुहाल है कि कोई जैनब की चादर छीनना तो बहुत दूर की बात है, कोई चादर की तरफ निगाह उठा के तो देख ले। अजरकुम अल्लाह रोने वालों, हाय बहुत रोते थे करबला के बाद मदीने में अहले हरम, और जनाबे ज़ैनब कुबरा का मामूल था करबला से पहले भी कि हर ईद और खुशी के मौके पर अपनी माँ उम्मुल बनीन को सलाम करने जाती थी। जब सलाम करने जाती थी चारों भाई लाइन से खड़े हो जाते थे, और करबला के बाद उम्मुल बनीन की खिदमत में बीबी पुरसा पेश कर ली गई है, मगर अब चारों भाई नहीं थे। ज़ैनब ने खाली निगाहों से उस घर को देखा जहां चार जवान खड़े होते थे। अजरकुम अल्लाह, रोने वाला जुमला सुनोगे, मेरा चौथा इमाम कितना रोया है। इतना रोते थे कि आंखों से खून बहता था। 35 साल मेरा मला रोता रहा। जनाब अब्बास का एक बेटा जिंदा है, दो बेटे शहीद हुए करबला में, जो एक बेटा जिंदा है वो उबैदुल्ला है, उस बच्चे का नाम उबैदुल्ला। ये वही बच्चा है जिसका हाथ थामकर उम्मुल बनीन जन्नतुल बकी में आती थी। और रोने वालों, इसके चार जवान बेटे हो, उसको इतनी तो आरजू थी ना कि जब मेरा जनाजा उठेगा चारों तरफ से बेटे उठाएंगे। वाह गुरबता, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास मौला अब्बास का जो एक बेटा जिंदा रह गया, ये बेटा एक मरतबा लोगों ने मौला सज्जाद से दरख्वास्त की कि आप बिल्कुल ही रोते हैं मजलिसों में, बिल्कुल ही आपका गम तारी है, मौला कभी तो मौका दें कि आपको सलाम किया जाए ईद के मौके पर भी। इमाम ने अपने चाहने वालों की बात कबूल फरमाई कि अच्छा मैं आकर बैठ जाऊंगा, मगर कोई मुझे मुबारकबाद ना दे कि मैं अभी गम हुसैन में हूं। कहते मौरखीन के मौला अब्बास का बेटे ने जब सुना कि मौला सज्जाद आ रहे हैं सलाम कबूल करने के लिए, दादी के पास गए, दादी अम्मा आज मुझे अच्छा सा लिबास पहना दे कि मैं सलाम करने जाऊंगा अपने आका और मौला। का जुमला है, जनाब उम्मुल बनीन ने वो लिबास निकाला जो मौला अब्बास बचपन में पहना करते थे। लिबास निकाल के जनाब उम्मुल बनीन ने मौला अब्बास के यतीम बच्चे को बनाया, और जब मौला अब्बास का लिबास उस बच्चे ने पहना तो बड़ी शान से चला कि मैं अपने बाबा का लिबास पहन के जा रहा। जब जैसे ही उस बारगाह मौला में दाखिल हुआ जहां चौथे इमाम तशरीफ फरमा थे, लोग आके सलाम पेश कर रहे थे, और मौला सज्जाद ने अपने आंसुओं को रोका था कि सलाम कबूल कर ले, जैसे ही दरवाजे से
अब्बास का यतीम बेटा, अब्बास का लिबास पहने हुए ना, मेरा चौथा इमाम अपने मकाम से उठ के खड़ा हो गया, आंखों से ऐसा खून जारी हुआ, लोग कहते मौला आज तो ईद का दिन है, का देखो अब्बास का बेटा सीने से लगा लिया। फरमाते अजरकुम अल्लाह, सीने से लगाया अब्बास के यतीम बेटे को, ओ बैदुल्लाह इब्ने अब्बास। और अब ये तो आपने जुमला सुना है, एक जुमला आप सुनो कब्र अब्बास के हवाले से। कब्र अब्बास का वो हवाला कि आगाए मोहम्मद मेहदी बहरुल उलूम के जो तकरीबन 1200 सन हिजरी में एक बहुत अजीम शख्सियत आरिफ कामिल गुजरे, बहुत बड़ा नाम उनका, यही नाम काफी है, उलूम का समंदर बहरुल उलूम मोहम्मद महदी। एक मरतबा ये करबला गए हुए थे और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में कुछ तामीरात का काम जारी था, खासतौर से सरदाब मुकद्दस जहां असल कब्र मुबारक है वहां पे काम हो रहा था। तो एक मेमार काम करते करते बाहर निकल आया और देखा तो उसको हरम में आयतुल्लाह की शख्सियत आगा बहरुल उलूम दिखाई दिए। करीब आया और कहता है कि आका से सवाल करना है, रो रहा है बेतहाशा से, बोला नहीं जा रहा है, दोनों हाथों में चूना लगा हुआ, सवाल करना है आपसे। उसने क्या सवाल करना है आपको, कहिए बताइए आगा कि कब्र अब्बास कहां पर है। नीचे से आ रहा है, सरदाबे अब्बास से आ रहा है और आकाए बहरुल उलूम से पूछता कब्र अब्बास कहां पर है। फरमाया तुम वहीं से तो आ रहे हो, ये रोजा है नीचे कब्र मुबारक है। क्या नहीं, कब्र अब्बास नीचे नहीं है, मैंने बहुत तलाश किया वहां कोई कब्र अब्बास नहीं है। पूछा फिर तुमने क्या देखा, कब्र तो है नीचे। कहा नहीं बोला, वो नहीं आता, वो तो एक छोटे से बच्चे की कब्र है, जैसे कुछ 6 महीने का बच्चा दफन कर दिया गया, अब्बास की कब्र कहां पर। रोने वालों आपने सुना, गिरिया किया, खुदा आपको जजाए खैर दे। और मौला अब्बास बाबुल हवाइज हैं, खाली आप वापस नहीं जाओगे, मुहर्रम की 11 तारीख से मौला अब्बास का नाम सुनने वालों, आज 10वां दिन है मौला अब्बास को रोते हुए। आगाए बहरुल उलूम ने सुना और बेहोश हो गए, रोते रोते बेहोश हो गए। कहने वाला कहता था कि आका बहरुल उलूम हमने तो सुना है आप जैसे उलमा से कि मौला कद इतना तूलानी था कि जब घोड़े पे सवार होते थे और पांव रकाब में रखते थे तो आपके दोनों घुटने घोड़े के कानों के बराबर पहुंच जाते थे, और जब पांव रकाब से निकालते थे तो पांव जमीन पर खस खींचते थे, इतना बड़ा कद। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, अंदर कब्र नहीं है मौला अब्बास की। रोने वालों खुदा आपको नसीब करे, जाओ हिम्मत है ना, कर सकोगे बर्दाश्त। लोग दुआ मांगते हैं कि हमें कब्र अब्बास तक पहुंचने की इजाजत मिल जाए, बर्दाश्त कर सकोगे। वो कहता है नहीं कब्र अब्बास नीचे नहीं है, आपने सवास में रोते रोते बेहोश हो गए, बड़े आरिफ कामिल थे, पानी डाला गया जब होश में आए तो रोकर कहते थे कि हाँ कद तो इतना ही बड़ा था जितना कि तूने सुना है मजलिसों में, लेकिन जब 13 मुहर्रम को मेरा चौथा इमाम अपने चचा की लाश के करीब आया तो कब्र तो पूरी बराबर खोदी थी कद के लिहाज से, लेकिन जैसे ही अपने चचा के जिस्म को हाथ लगाया, अरे जिस आजाए बदन को चाहते थे हाथ से उठा ले वो दूसरे आजा से जुदा हो जाता था। वाह गुरबता वाह मोहम्मदा, एक मरतबा में लाशे अब्बास उठाई ही न गई, टुकड़े उठा आने पड़े। अल्लाह मातम करो,
मातम करो रोने वालों। अब्बास अब्बास इतने जख्म खाए, अब समझ में आया ना कि मौला अब्बास ने क्यों फरमाया था आका मेरी लाश को खेमे में लेकर ना जाइएगा, अगर खेमे में अब्बास की लाश चली जाती कितनी बीवियां अब्बास की लाश को देखकर रोने वालों। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। मौला अब्बास की लाश को उठाया, टुकड़े उठाए थे, इस आजाए बदन को हाथ लगाते थे और दूसरे आजा से अलग हो जाता था, यहां तक के टुकड़ों में जमा हो गई लाश अब्बास।